नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बीके दत्ता। मेरा यूट्यूब चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आज एक डीवी पैनल बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम होते हैं उनके ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा है। ब्रेक बेंडिंग का वीडियो तो आप लोगों को दिया हुआ है, ब्रेक बेंडिंग का कारण क्या है, लेकिन मैं ब्रेक बेंडिंग के ऊपर मैं इस वीडियो को नहीं दे रहा है। इधर कुछ प्रॉब्लम होते हैं उस दौरान आपको क्या ऑपरेशन करना है, ये एन रूट वाला बात मैं कर रहा है, डिपो वाला बात नहीं मैं कर रहा है। जो कि मैं जो भाई लोग मेरा ट्रेंड पर आपका सर्विस में रहता है, पासिंग सर्विस में, उन लोगों के लिए सूचना और गार्ड ड्राइवर उन लोगों को भी लिए थोड़ा सूचना मैं देंगे कि इसमें क्या ट्रबल शूटिंग होते हैं इस जगह में से, तो आप क्या करेंगे। डीवी पैनल बोर्ड है, इसमें डीवी देख रहे हैं, रिले पार्ट है, ये कंट्रोल रिजर्वर है, पीछे में दो आपका ऑक्सिलरी रिजर्वर, एक तो 125 फॉर ब्रेकिंग सिस्टम, एक तो 75 फॉर टॉयलेट सिस्टम। ये एपी प्रेशर है, एपी प्रेशर मेन पाइप से आने के बाद में देखिए आइसोलेटिंग कॉक में आते हैं, इसके बाद में एपी का फिल्टर होंगे, उसके बाद में एक चेक वाल्व होंगे, चेक वाल्व होने के बाद में ये पाइप कहाँ चले जाएगा, मेरा डीवी का कॉमन पाइप ब्रैकेट में आ जाते हैं। बीपी प्रेशर जब एंटर करता है डीवी पैनल बोर्ड में पीछे से आ रहा है, लेकिन इसमें कोई आपका आइसोलेटिंग कॉक नहीं है। अब इनमें एक देखिए फिल्टर है, नॉर के है, इसमें एक फिल्टर है, तो बीपी प्रेशर देखिए आइसोलेट एपी जैसे आइसोलेटिंग से कॉक से बाद में इधर आया है। एपी में कुछ भी प्रॉब्लम होता है इस तरफ तो आप इधर ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में उधर आपका दो ऑक्सिलरी रिजर्व में सप्लाई हुआ, तो मतलब उस तरह में ड्रेन कॉक टूटा हुआ होगा, कुछ भी होगा तो एपी ऑपरेशन करने से, या तो फिल्टर खराब हुआ ये एपी ऑपरेशन करने से आपका लीक अरेस्ट हो जाएंगे। लेकिन बीपी में कोई आपका आइसोलेटिंग कॉक है ही नहीं, बीपी पे सर डायरेक्ट आया, फिल्टर में आया, फिल्टर में आने का बाद ये फिल्टर में आने के बाद में डीवी में इनपुट हुआ। तो आप अभी एक सवाल मैं पूछ रहे हैं कि पकड़ लीजिए ये मेरा फिल्टर खराब हुआ है, क्योंकि फिल्टर में डायरेक्ट बीपी प्रेशर मेरा जो मेन लाइन से आया है एंगल कॉक के बाद में, इसके बाद ब्रांच पाइप आया है, ये फिल्टर बीपी फिल्टर में आया है, फिल्टर होने के बाद में ये डीवी में इनपुट हुआ हवा। तो ये कभी कभी ये तो खराब हो सकता है, खराब नहीं होने का कारण क्या है, पकड़ लीजिए इधर से छेद हो गया, इधर के एक डिस्क है, डिस्क गिर गया आपको रनिंग में, तो आप क्या करेंगे, इसमें कोई आइसोलेटिंग कॉक नहीं है, आपको उस दौरान इसमें आपको एक्सटेंशन पाइप लगाना ही पड़ेंगे, बीपी एक्सटेंशन पाइप लगाना ही पड़ेंगे, जो कि 26 मीटर का जो मेरा पाइप होता है, बीपी प्रेशर दूसरा गाड़ी का बीपी प्रेशर उधर से उस पाइप से जोड़कर ये गाड़ी के अंदर से लेके जाके उस गाड़ी में जाके ये बीपी प्रेशर जोड़ देंगे और इस गाड़ी में ब्रेक सिस्टम पूरा ऑफ हो जाएंगे। फिलहाल इनके बारे में अभी बात हुआ है कि ये फिल्टर खराब होने से क्या होगा, इधर से मैक्सिमम परसेंट हवा निकल जा रहा है, और एक इसमें क्या ट्रबल शूटिंग होता है, जैसे कि पकड़ लीजिए इधर दो आइसोलेटिंग कॉक देख रहे, ये ब्रेक सिलेंडर में जाते हैं इस तरफ, एक ब्रेक सिलेंडर इस बोगी के लिए, तो बोगी के जाने के टाइम में ये दो इंडिकेटर को ये सप्लाई देते हुए सिलेंडर में प्रेशर जाते हैं। इनकेस पकड़ लीजिए कि हीट हुआ है इधर, ये पाइप टूट गया है, या तो ये पाइप टूट गया है, तो आपका ये इंडिकेटर इस तरफ बोगी के लिए बोलता है और ये इंडिकेटर इस तरफ बोगी के लिए बोलता है, तो ये ऑपरेशन पकड़ लीजिए कोई भी एक ठो ये हुआ, क्योंकि ये प्रेशर जब जा रहे हैं आपका, जब भी ब्रेक होंगे उसी दौरान इसको प्रेशर देके इसको उठाने से ये रेड आएंगे, ब्रेक होंगे वो सिलेंडर प्रेशर उसमें जाएंगे। तो अभी देखिए जब ब्रेक होता है तो इस दौरान इस जगह में अगर क्रैक है, फट गया, तो आपका पास पाइप नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए तो उनका रिलीजिंग टाइम ज़्यादा ले लेंगे ड्राइवर का, आपका बार बार होते रहेंगे। तो आप अगर देखा कि ब्रेक करने का टाइम में आपका इधर से हिसिंग साउंड हो रहा और हवा निकल जा रहा ब्रेक सिलेंडर का, तो आप सीधा सीधी आइए, इसको रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे, आपका पास कुछ भी नहीं है, तो सीधा आइए, जो इंडिकेटर आपका हुआ है उसी तरफ, इसमें भी देखिए उसी तरह का आइसोलेटिंग कॉक उसी तरफ है, उसी में जाइए, जो वाला आपका फॉल्ट हुआ है उसमें जाइए, उसको आइसोलेट कर दीजिए, ये जो है उसको आइसोलेट कर दीजिए, घुमा दीजिए हॉरिजॉन्टली, वो आपका इधर जब ब्रेक सिलेंडर में जब प्रेशर ब्रेक करेंगे इस सिलेंडर में हवा नहीं जाएंगे, दूसरा सिलेंडर में हवा जाएंगे, दूसरा रेड होगा ये, और ऑपरेशन नहीं करेंगे, आप गाड़ी आराम से पास कर सकते हैं।
तीसरा जो इधर फॉल्ट है, आपका गाड़ी में ब्रेक बेंडिंग हो गया, टोटल गाड़ी में ब्रेक बेंडिंग हो गया, दोनों रेड हो गया, आप ब्रेक बेंडिंग छुड़ाने के लिए आए हैं और ब्रेक बेंडिंग छुड़ा दिए, लेकिन आपको ब्रेक बेंडिंग छुड़ाया है तो आप मैनुअल रिलीज किया, इसके बाद में ये ग्रीन हुआ, लेकिन ब्रेक में हेवी ब्रेक बेंडिंग था, तो आप जाके ब्रेक का जो कैलिपर है, ब्रेक ब्लॉक सब देख लिए है कि सभी लूज है, ठीक ठाक है अभी। अब दो बार ऑपरेशन भी कर लिया कि आपका रिलीजिंग टाइम और एप्लीकेशन टाइम वो भी ठीक है, लेकिन आपका उधर पूरा लाल हो गया था, सेकेंड टाइम अगर पूरा गाड़ी में अगर फिर से ब्रेक लग जाएगा तो आप उसका रिस्क मत लीजिए। आप क्या करेंगे, आप दो आइसोलेटिंग कॉक, बोगी का जो बीसी ब्रेक सिलेंडर में हवा जा रही है, दो आइसोलेटिंग को बंद करिए, एपी प्रेशर का जो आइसोलेटिंग है उसको बंद कर दीजिए, टॉयलेट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा क्योंकि एपी प्रेशर बंद रहेगा तो ये गाड़ी में ये दोनों जो रिजर्वर है ऑक्सीजन रिजर्वर में कोई हवा नहीं जाएंगे, और उस दौरान बीपी का तो कोई आइसोलेटिंग कॉक है ही नहीं, ठीक है ना। तो उस दौरान अगर आप सोचेंगे कि मैंने ये जो ऑक्सीजन रिजर्वर में जो हवा है इसको निकाल देंगे ड्रेन कॉक से तो अच्छा रहेगा, अगर ये ड्रेन कॉक आप उस दौरान निकालते हैं, इसको अगर ऑफ कर देते हैं, ठीक है, इसमें से हवा निकलते ही रहेगा और वो हवा बंद नहीं होगा, आप बैठा रहिए 5 मिनट 10 मिनट, हवा निकलते ही रहेगा, वो हवा बंद नहीं होगा जब तक कि आप डीवी का आर चार्जर हैंडल को भी आपको इसको उठा देना है, आइसोलेट कर देना है। अगर इसको आइसोलेट नहीं करके इसमें आप ड्रेन करेंगे, जिंदगी भर कभी भी ड्रेन नहीं होंगे, क्यों, मेरा इसमें बीपी का कोई आइसोलेटिंग कॉक है ही नहीं, अगर मेरा बीपी का कोई आइसोलेटिंग कॉक रहता तो मैं उसको बंद कर देता तो कोई झमेला नहीं रहता, क्योंकि मैं जब बीपी का आइसोलेटिंग कॉक बंद कर देता तो ये प्रेशर फिल्टर होके इसके अंदर जाते ही नहीं, तो अभी बीपी प्रेशर का ऊपर में कोई आपका आइसोलेटिंग कॉक है ही नहीं, इसीलिए बीपी प्रेशर डायरेक्टली आ रहे हैं और डीवी में जा रहे हैं, डीवी में जाने का बाद में वो प्रेशर क्या होता है आप लोग जानते हैं कि ये जो मेरा ऑक्सीजन रिजर्वर जो फीडिंग होता है डबल पाइप कनेक्शन में, एक एपी प्रेशर फीडिंग करते हैं, दूसरा आपका बीपी जो डीवी है डीवी से भी वो फीडिंग होता है, दोनों तरफ से फीडिंग होता है डबल पाइप कनेक्शन में, तो उस दौरान क्या हो गया, ये आर चार्जर हैंडल जब ऑन में है तो इधर से हवा जा रहा बीपी प्रेशर और उधर से हवा बीपी प्रेशर निकल रहा, तो कहाँ से आपका पूरा ड्रेन होगा, इसीलिए जब भी आप इसको ऑफ कर देंगे, डीवी को आइसोलेट कर देंगे, तभी उधर ड्रेन करने से देखेंगे उधर एक टाइम में 5-10 सेकेंड के बाद में ये पूरा ड्रेन हो गया। तो फ्रेंड्स अभी पता चला कि इसको क्यों आपको आर चार्जर हैंडल को उठाना है जबकि आपका गाड़ी पूरा गाड़ी ब्रेक बेंडिंग हुआ था और आप इस गाड़ी को ब्रेक बिना ब्रेक में भेजने मांगता, क्योंकि सेकेंड टाइम अगर इसको अलाउ करेंगे कहीं और जाके फंसेंगे, तो इसीलिए आप इसको आइसोलेट कर देने मांगता है, तो आपको आइसोलेटिंग प्रोसीड्योर होगा कि एपी प्रेशर टॉयलेट आगे से ऐसी ऑफ हो जाएगा, चाहे तो कर दीजिए, चारों आइसोलेटिंग कॉक को बंद कर दीजिए, इसके बाद में डीवी चार्जर हैंडल को उठा दीजिए, टाइम रहे तो आपका ये जो आपका ऑक्सीजन रिजर्वर जो दो है इनको ड्रेन कर दीजिए, गाड़ी को फ्री कर दीजिए और जाके ब्रेक पैड को देख लीजिए सब ठीक ठाक हिल रहा कि नहीं, गाड़ी में कोई और ब्रेक एप्लीकेशन होगा नहीं, बस आप आराम से गाड़ी छोड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इस तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे कि एक गाड़ी में अगर ब्रेक बेंडिंग होता है तो उस दौरान आप क्या करेंगे, और आर चार्जर हैंडल को क्यों गाड़ी का जब टोटल गाड़ी को जब ब्रेक बेंडिंग से छुड़ाने के बाद में टोटल गाड़ी को जब आप ब्रेक मुक्त करेंगे मतलब आइसोलेट करेंगे टोटल गाड़ी में ब्रेक नहीं लगने के लिए, तभी आपको डीवी आर चार्जर हैंडल को उठाना है। तो इस तरीके से आप लोग समझ पाए हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए, तब तक सूझ रहिए सुरक्षित रहिए, थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड हैव ए गुड डे।